जी, नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा बात कर रहे जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। आपके खादिम इम्तियाज अर्ज कर रहा हूँ हजरत, और उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों हजरत खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती और अपने हिफ्ज़ो अमान में हमा वक्त रखे। हजरत मुझसे जो है कोई हक़ुल इबाद के ताल्लुक से कोई गुनाह कबीरा हो गया है, तो उसकी वजह से मेरा दिल जो है बहुत ज़्यादा बेचैन है। एक तो हजरत ज़रा उसके बारे में आप दुआ फरमा दें कि उसकी नहुसत से और उसके बुरे असरात से अल्लाह हिफाजत फरमाए। और इसी तरह से जो है हमारे एक इकबाल भाई हैं और एक सज्जाद हुसैन साहब हैं, ये भी किसी मामले में परेशान है, इनके हक में दुआ फरमा दें। और हजरत मेरा सवाल ये है कि ये जो बुजुर्गों के नाम पे अल्लाह वालों के नाम पे जो है लंगर जो तकसीम होते हैं हजरत, तो इसकी क्या हकीकत है, जरा इसके बारे में वजाहत फरमा दें हजरत। और बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का हजरत से। इसके तफसील माशाल्लाह माशा इम्तियाज ऑफ इंडिया से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए, आपकी दुआएं हमारे हक में कबूल हों। और बाकी मैं जो है आपके लिए दुआगो भी हूँ, और हक़ुल इबाद के हवाले से जो गुनाह कबीरा हुआ है, तो हक़ुल आबद जो है आप जानते हैं कि जब तक आबद माफ़ ना करे तो माफ़ नहीं होता। तो कोशिश करें कि जो भी बंदा है जिसके हक में तलफी हुई है तो उससे जो है वो बराह रास्त माफ़ी भी मांग लें और उसके लिए दुआ और इस्तिग़फ़ार भी करें। बाकी इकबाल साहब और सज्जाद साहब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को भी आसान फरमाए। जो सवाल किया है कि बुज़ुर्गों के नाम पे जो लंगर तकसीम करते हैं, बुज़ुर्गों के नाम पे लंगर तकसीम करने से मुराद ईसाले सवाब होता है। कि इसका मतलब यह है कि ये जो लंगर तकसीम किया जा रहा है, गुरबा के अंदर खाना खिलाया जा रहा है, भूखों का पेट भरा जा रहा है, ये इसका सवाब जो है वो मिल जाए उन बुज़ुर्गों को। तो बुज़ुर्गों के नाम पर लंगर करने का मतलब ये कि इसका सवाब और अजर जो है वो बुज़ुर्गों के लिए मिल जाए, उनके लिए सदका जारिया बन जाए। तो लिहाजा इस तरह लंगर करना कि उसका सवाब और अजर जो गुरबा में लंगर तकसीम किया जा रहा है बुज़ुर्गों को पहुँच जाए, ये बिल्कुल इसमें कोई मज़ाक नहीं, शर्म बिल्कुल जायज़ है, बल्कि करते रहना चाहिए। जैसे आम तौर पर हम जो मरहूमीन के लिए जो है खाना पका के गुरबा में तकसीम कर देते हैं, सदका कर देते हैं, इसी तरीके से जो है वो बुज़ुर्गों के लिए भी लोग आम तौर पर अजर सवाब के लिए वो लंगर कर देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।